ओके सो भाई लोग कैसे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई लोग, फोरहेड पे बेबी हेयर्स भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों बड़ी प्रॉब्लम है? क्योंकि ये हमारे हेयर स्टाइल के पूरी की पूरी बैंड बजा देता है। अगर आप भी इनको लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो और ये आपका भी हेयर स्टाइल ख़राब कर देता है, सो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो भाई लोग, बेबी हेयर्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फोरहेड्स पर आपके बेबी हेयर्स है वो बेबी हेयर्स ही है या कुछ और है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अक्सर अपना हेयर कट करवाने जाते हैं, सो हम क्या करते हैं कि जो हमारे बेबी हेयर्स आ रहे होते हैं उनके चक्कर में हम उस तरह यहाँ पर लगवाते हैं। सो जब हम अपने फोरहेड पर उस तरह लगवाते हैं, सो हमारे थोड़े थोड़े हेयर्स भी निकल जाते हैं। देन जब हमारे थोड़े थोड़े हेयर्स भी निकल जाते तो वो यहाँ पर हमारी एक हेयर लाइन बन जाती है। अब बेबी हेयर्स होते कैसे? तो अब जो बेबी हेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं हमारे हेयर्स के मुकाबले, एंड वो काफ़ी ज़्यादा छोटे भी होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक भी होते हैं। आप उन पर सिर्फ हाथ ही लगाओगे वो सीधे निकल जाते हैं। सो अब आपको इन्हें रिमूव कैसे करना है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा ट्रिम का। बट ट्रिम आपको डेली डेली करना पड़ेगा। सो अगर आप ट्रिम करना चाहते हो तो आप ट्रिम भी कर सकते हो। सो ट्रिम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हेयर्स को सीधे पीछे लेके जाना है, या आप फिर इस पर कैप भी लगा सकते हो और अपने बेबी हेयर्स को नीचे की डायरेक्शन में लाके उसे अच्छे से ट्रिम करें। सो भाई लोग, ट्रिम बिल्कुल ही जेंटली करें, बिल्कुल दिमाग ध्यान लगा कर करें। हल्की सी गलती आपके ऊपर के हेयर्स भी निकाल सकते हो, और ऊपर के हेयर्स जब निकलेंगे सो आपको भी फिर वो हेयर लाइन वाली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और धीरे 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 आपके हेयर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। सो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप ट्रिम करना चाहते हो सो आप ये कर सकते हो, और ट्रिम आपको ज़्यादातर करना भी पड़ेगा। सो ये वाला ऑप्शन इतना खास नहीं है जहाँ तक कि मुझे लगता है। सो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन, सो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि आपको लेना है थोड़ा सा बेसन, और बेसन में थोड़ा सा ऐड करना है आपको मिल्क। आपको इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। बट भाई लोग, पेस्ट एकदम हार्ड होना चाहिए। सो आप मिल्क थोड़ा सा ही यूज़ करें, उसमें ज़्यादा मिल्क ना यूज़ करें। और अगर गलती से पेस्ट हार्ड नहीं बना है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पतला बन चुका है, सो आप उसे थोड़ी देर फ्रिज में रखिए, और देन जब आप उसे निकालेंगे तो वो हार्ड बन चुका होगा। देन जब वो थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा तो आपको उसे सिंपली अपने सारे के सारे हेयर्स पीछे की तरफ ले जाकर अपने बेबी हेयर्स को आगे की तरफ थोड़ा सा कॉम्ब की हेल्प से, या आप अपने फिंगर से भी आगे की तरफ उन्हें करें, आप उस पर इसे अप्लाई कर दें। आपको बिल्कुल एक मास्क की तरह इसे अप्लाई करना, और देन इसे सूखने के लिए छोड़ देना है 15-20-30 मिनट, जितने में भी ये सूखेगा भाई लोग आराम से। जब तक ये अच्छे से नहीं सूख जाता है, देन आपको जब ये अच्छे से सूख जाए तो आपको इसे निकालना है। अब निकालना कैसे है, आप पहले ट्राई करना कि आप इसे एकदम मास्क की तरह निकालो एक ही बारी में। अगर आपसे वो नहीं निकलता है, बाई चांस आपका बीच बीच में छूट जाता है, सो आप इसे घिस घिस कर निकालना। मीन्स आप इसे थोड़ा थोड़ा रब रब करना। रब करके निकालने से क्या होगा कि आपके जितने भी बेबी हेयर्स होंगे वो ऊपर से जड़ से ही निकल कर टूटने शुरू हो जाएंगे, और जब वो टूट जाएंगे तो देन आप इसे वाटर से वॉश कर लेना, और आपके बेबी हेयर्स एकदम क्लीन हो जाएंगे और आपका हेयर स्टाइल फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो बस भाई लोग, यही तो कुछ सॉल्यूशन अपने फोरहेड से बेबी हेयर्स निकालने का। सो अगर आप ये करते हो सो आपके बेबी हेयर्स आराम से निकल जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके बाद आप एक अच्छा हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं। सो बस भाई लोग, इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।